ये था इंडिया की पहली मेड इन इंडिया कार। इंडिया की प्रधानमंत्री भी ये एम्बेसडर कार में चलते थे। 1990 के बाद से अमीर लोग भी एम्बेसडर को उतना पसंद नहीं करते थे। इंडिया का एम्बेसडर का उतना नुकसान नहीं हुआ था। नमस्कार आप सबको। इंडिया के शहरों में जो चीज सबसे पहले एक आउटसाइडर के नजरों में आएगा वो है येलो टैक्सी। अभी के टाइम पे सिर्फ कोलकाता में 22,000 येलो टैक्सीज चलते हैं, मोस्टली जो है हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर गाड़ियाँ। ये एम्बेसडर इंडिया का बनाया हुआ सबसे पहली कार है। शुरुआत में इंडियंस के पास एम्बेसडर कार था एक स्टेटस। 1960 से 3 दशक तक एम्बेसडर ही था इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ी। सालों से लाखों इंडियंस फैमिली के साथ जुड़ा है ये एम्बेसडर कार। 2013 में बीबीसी की टॉप गियर कंपटीशन में एम्बेसडर कार दुनिया का सबसे बेस्ट टैक्सी का प्राइज जीता था। आज के इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की सबसे बेस्ट टैक्सी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर गाड़ी के बारे में। हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। में गुजरात में हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत हुई। बाद में 1948 में वेस्ट बंगाल की उत्तरपारा में हिंदुस्तान मोटर्स की फैक्ट्री बनाने पर जगह का नाम ही बदल के हिंद मोटर हो गया। हिंदुस्तान मोटर्स की पहली कार एम्बेसडर 1958 में इंडिया की सड़कों पर पहली बार आई। उस समय के इंडियन मार्केट की मॉरिस मोटर्स की मॉरिस ऑक्सफोर्ड से इंस्पायर होकर बनाया गया ये एम्बेसडर कार। ये था इंडिया की पहली मेड इन इंडिया कार। ये इंडिया की पहली डीजल से चलने वाली कार भी थी। सिर्फ यहाँ तक नहीं, इंडिया की पहली एयर कंडीशनर कार भी यही थी। ऐसे ही एक से एक कारण की वजह से इंडिया के लोग एम्बेसडर कार को लेके बहुत ही प्राउड फील करते थे। 1960 से 70s के टाइम पे एम्बेसडर था एक सोशल स्टेटस। तब से लेके 3 दशक इंडिया की प्रधानमंत्रियां भी ये एम्बेसडर कार में चलते थे। भूटान में तो एम्बेसडर को शाही गाड़ी माना जाता था क्योंकि भूटान में सिर्फ शाही परिवार के लोग ही एम्बेसडर कार से चलते थे। ये सब को छोड़ के इंडिया में सरकारी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन इन सब का पहली पसंद ही था ये एम्बेसडर कार। बेसिकली सफेद एम्बेसडर सरकारी ऑफिसर्स यूज करते थे और काले एम्बेसडर आर्मी ऑफिसर्स। 1960s से 1970s में बनने वाली एम्बेसडर कार की 16% इंडियन गवर्नमेंट ही खरीद लिया था और ये पीली या काली एम्बेसडर्स इंडिया के कई शहरों में टैक्सी की तरह यूज हो रहे हैं। 1958 से 2014 तक एम्बेसडर की 7th जनरेशन मार्केट में आया था। पहली एम्बेसडर कार का नाम था Mark 1 और 2014 में आखिरी एम्बेसडर कार का नाम था Encore। 1958 में एम्बेसडर कार का प्राइस था 14,000 रुपए और 2014 में इस कार का प्राइस था 5,22,000 रुपए। 1960 से 1980 तक एम्बेसडर ही था लोगों का पहली पसंद। उस टाइम हिंदुस्तान मोटर्स ऑलमोस्ट 125 गाड़ियां बनाती थी हर रोज और 2014 में फैक्ट्री बंद होने से पहले सिर्फ 5 गाड़ियां बनते थे। 1981 की टाइम पे मारुति सुजुकी आने पर ही कमजोर पड़ने लगा हिंदुस्तान मोटर्स। तब मिडिल क्लास फैमिली की मारुति और अमीरों की विदेशी गाड़ियां इंडियन सड़कों पे चलने लगी। एम्बेसडर पहले से ही मिडिल क्लास लोगों की बजट से बाहर थी। फिर 1990 के बाद से अमीर लोग भी एम्बेसडर को उतना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद से एम्बेसडर दिखता था सिर्फ सरकारी गाड़ी या टैक्सी के हिसाब से। 1990 से एम्बेसडर मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें सामने आई। 1991 में विदेशी अच्छी अच्छी गाड़ियां भी इंडियन मार्केट पे आने लगी। इस कंडीशन में एम्बेसडर का कस्टमर को पकड़ के रहना और मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो रहा था। कंपनी अपना प्रॉफिट निकालने के लिए मैन पावर को कम करना शुरू किया। 22,000 से हिंदुस्तान मोटर्स का एम्प्लॉयज घट के आए 2,300 पे। 2014 में फैक्ट्री बंद होने के बाद अभी तक फैक्ट्री शुरू होने का कोई चांस ही नहीं है। फैक्ट्री फिर से शुरू करने के लिए फ्रांस की पीएसए ग्रुप के पास 1,20,00,000 US में एम्बेसडर ब्रांड को ही बेच दिया। पर कुछ भी हो, इंडिया की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में अभी भी बहुत जोर से चल रही है ये एम्बेसडर गाड़ियाँ। एम्बेसडर को कहा जाता था द किंग ऑफ इंडियन रोड्स। इसका कारण यही है कि ये बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया की सड़कों पे सालों साल चल सकता है। इंडिया की सड़कों के लिए ये एम्बेसडर था एकदम परफेक्ट। 2013 में बीबीसी की टॉप गियर नाम की कॉम्पिटिशन में दुनिया की हर देशों की सड़क पे चलने वाली टैक्सियों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ था। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और इंडिया की टैक्सियां इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ये सिर्फ तेजी से चलने के लिए कंपटीशन नहीं था बल्कि सामने वाले गाड़ियों को टक्कर मार के लड़के जीतना भी कंपटीशन का हिस्सा था। कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बाकी टैक्सियों का हाल बहुत बुरा होने पर भी इंडिया का एम्बेसडर का उतना नुकसान नहीं हुआ था। कॉम्पिटिशन जीतने के बाद देखा गया कि एम्बेसडर का छोटा मोटा नुकसान को छोड़ के ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और इंडिया का एम्बेसडर टैक्सी बना ग्रेटेस्ट टैक्सी इन द वर्ल्ड।
फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला उस एम्बेसडर टैक्सी को यूके की एक म्यूजियम में रखा है। हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया में पहली एम्बेसडर बनाने के बाद एक टाइम पे ये गाड़ी बना था इंडिया का राष्ट्रवाद का प्रतीक। हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर गाड़ी समय के साथ नहीं चल पाने के लिए आज ये विलुप्त होने की तरफ है। अभी तक जो गाड़ियाँ है शायद ये और 2-3 दशक तक चलेगा, पर हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी की तरह एक दिन इंडिया की सड़कों से पीली काली एम्बेसडर टैक्सी भी गायब हो जाएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को अभी फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद आप सबको।